Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Well, आप सबको तो पता ही होगा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. मैं आज फिर से आप लोगों के साथ शेयर करने कुछ बेहतरीन रेमेडीज जो 10 रुपए के अंदर ही आपका सब स्किन के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. वेल, संतरा के छिलके से तो हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, पर मैं पहले बता देती हूँ ऑरेंज में से क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो आपके स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है. ऑरेंज में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है. ऑरेंज विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है. ऑरेंज आपके स्किन के प्रॉब्लम को एकदम से छू मंतर कर देगा. जैसे कि आप जानते हैं कि ऑरेंज बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो हमारे बॉडी के लिए, जैसे कि ऑरेंज अब हमारे स्किन प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा रिमूव करता है, जैसे कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, स्किन के पोर्स, डार्क सर्कल, एक्ने को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. सो हेल्प्स टू ब्राइटन द स्किन. ऑरेंज में साइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में रहता है, जिससे कि आपके स्किन के ओवरलुक को टोटली इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. और जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑरेंज में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारे स्किन के लिए एक लेजेंड एंटीऑक्सीडेंट है. अब ये तो हो गई ऑरेंज की बात. ऑरेंज जैसे कि हम लाते हैं 10-20 रुपए में खरीद के और खा जाते हैं, और हम क्या करते हैं उसके छिलके को फेंकते हैं. लेकिन हाँ, आपको उसके छिलके को इस बार फेंकना नहीं है. उसके छिलके के भी बहुत ही यूजेस है. उसके छिलके को आपको रख देना है. जैसे कि आप जानते हैं ऑरेंज पील पाउडर बहुत ही बेहतरीन उपाय है हमारे स्किन को वाइटनिंग, ग्लोइंग, ब्राइटन, एक्ने को हटाने के लिए. हम बाहर से कुछ अलग अलग ब्रांड से हम खरीद के लाते हैं ऑरेंज पील पाउडर. सो गाइस, इस बार मैं बता रही हूँ कि ऑरेंज पील हम नेचुरल तरीके से हम घर पे कैसे बनाएं और उसका यूज़ कैसे करें. चलिए मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, वीडियो स्टार्ट करके और ऑरेंज पील पाउडर कैसे बनाते वो दिखा दें. उसके साथ मैं आपको शेयर करूँगी कि उन तीन कुछ बेहतरीन रेमेडीज जो आपके फेस, फीट, लेग्स, हैंड्स को ग्लोइंग बनाने में हेल्प कर रहा है. साथ ही साथ एक नाइट क्रीम शेयर करूँ, एंड वेट, पिंपल मार्क्स को फेक करने का एक बहुत जबरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर करूँ. लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड. सो गाइज, ये है ऑरेंज. मुझे ये मजबूर में ग्रीन कलर वाला ऑरेंज यूज़ करना पड़ रहा है. ऑरेंज कलर का ऑरेंज मुझे नहीं मिला. सो गाइज, ऑरेंज के छिलके को आपको अच्छे से निकालना है. आपको ध्यान रहे कि ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद पार्ट ना आए. थोड़ा बहुत आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका जो सफ़ेद पार्ट है वो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल भी नहीं है और हेल्पफुल भी नहीं है. तो इसका छिलका ऊपर से अच्छे से निकाल लें. सकते हैं मैंने किस तरह से छिलके को निकाला है. फिर इस छिलके का आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर दे. सो गाइस, ये छिलका छोटे छोटे पीसेस में कट हो गया. अब हम इसे सुखाएंगे. सो गाइस, ये सूखने के बाद कुछ इस तरह का हो जाता है. कुछ ऑरेंज कलर का भी हो गया, कुछ ग्रीन रह गया. एकदम सूख के एकदम कड़क हो गया है. मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा रही हूँ. सो आप देख सकते हैं किस तरह से टूट रहा है. तो आपको इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से सूख जाए. सूखने के बाद हम इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद इस तरह से कुछ हो जाएंगे. ये थोड़ा रब थोड़ा दाने दाने हो गए ज़्यादा, एकदम पाउडर फॉर्म में ये पीसा नहीं है. फिर इससे हम एक छलनी के हेल्प से जो भी छान लेंगे, उसके बाद जो भी वो मतलब पाउडर फॉर्म में जो नीचे गिरेगा वो पाउडर फॉर्म होगा, और ऊपर का जो दाने दाने वो दोनों हमारे लिए यूज़फुल होगा. आपको मैं पहले दिखा रहा, आपको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से छलनी से आपको पाउडर फॉर्म वाला जो भी पील ऑरेंज पील पाउडर है उसे निकालना है.
आप देख सकते हैं कितनी ही सॉफ्ट एंड पाउडर फॉर्म में ये निकल रहा है। फिर बाकी जो ऊपर का वो रह गया वो आप अलग कटोरी में निकाल के रख देंगे। सो गाइस, ये हमारा जो थोड़ा दाने दाने वाला है ये रहा, और ये जो है एकदम सॉफ्ट पाउडर फॉर्म वाला ऑरेंज पील पाउडर, दोनों ही बहुत यूजफुल है। वो दाने दाने वाला हम स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो पाउडर फॉर्म है वो फेस पैक या फिर बॉडी वाइटनिंग पैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो हमारा रेमेडी है वो पिंपल मार्क्स को फेड करने का, आपको एक चम्मच पाउडर फॉर्म वाला ऑरेंज पील पाउडर लेना है एक चम्मच, और उसमें एक चम्मच हनी ऐड करना है। फिर 2-3 ड्रॉप आपको टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। फिर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आप मिक्स कर ले। आप इस बात का ध्यान रखें आप टी ट्री ऑयल को स्किप ना करें। टी ट्री ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और चीज़ है जो हमें स्किप नहीं करना। फिर आप इस तरह का फॉर्म में आ जाए, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। फिर इसे आप दिन में 2 बार यूज करें, दिन में किसी भी टाइम और रात को सोने से पहले 1 टाइम। ये पिंपल को निशानों को हटाने के लिए एक जबरदस्त रेमेडी है। रात को आप इसे लगा के आप सो जाइए। सो गाइस, हमारा सेकेंड रेमेडी है फेस एंड बॉडी वाइटनिंग पैक। ये मैं स्क्रबिंग जो दाने दाने वाला है ना उससे हमें यूज़ कर रही हूँ। उसे हम 2 चम्मच ऐड करेंगे ऑरेंज पील पाउडर। फिर आपको 1 चम्मच इलायची मिट्टी यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर ऐड करें, एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कच्चा दूध ऐड करें। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं यहाँ पर कच्चा दूध ऐड कर रही हूँ। फिर इन इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसमें टी ट्री ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। आप डेली नहाने से पहले इसे अपने बॉडी पे अप्लाई कीजिए। नहाने से 10 मिनट पहले आप अपने फेस पे, हैंड्स पे, लेग्स पे अच्छे से स्क्रब कीजिए। एक स्क्रबिंग का काम करता है जिसका आप स्किन को एक्सपोलाइट भी करते हैं और वाइट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसे अच्छे से रब करने के बाद आप इसे नहा लीजिए, इससे आपके स्किन में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगी नाइट क्रीम हम नेचुरल तरीके से घर पे कैसे बनाएं। आपको वो सॉफ्ट पाउडर फॉर्म वाला ऑरेंज पील पाउडर 1 चम्मच लेना है, और फैट मिल्क से बना एकदम नेचुरल क्रीम लेना है 1 चम्मच। फिर आप 1/2 चम्मच ग्लिसरीन मिक्स कर दें। फिर उसके बाद आप 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल मिक्स कर दें। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स करें। फॉर्म में बन जाएगा, तब इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दीजिए। फ्रीज में रखना है आपको, और आप इसे 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे यूज नहीं करेंगे, फिर फ्रेश आप इसे बनाएंगे। 1 हफ्ते के बाद आप इसे यूज नहीं करेंगे, इस बात की आपको ख्याल रखना पड़ेगा। गाइस, ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है, आप इसे जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। आपको रात को क्लीन फेस पे इसे 2-3 मिनट तक मसाज करना है इस क्रीम को लगा के, फिर आप सो जाए। आपके स्किन पर ये अच्छा सा निखार लाएगा और आपकी स्किन इवन टोन लगेगी और आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बना देगी। गाइस, ये आप एक बार ट्राई करके देखिए। वेल गाइस, ये थी मेरे आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। एंड गाइस, दिस इज माय
इंस्टाग्राम यूजर नेम आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर से जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती हूँ मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू सो मच गाइज़।